गाड़ी जोन सी है, हमने बिल्कुल टेस्ट सब कुछ ऑन रोड कर ली है। गियर और क्लच का काम किया था, क्लच अपग्रेड किए थे, क्योंकि अभी जो रोड्स हैं विंटर्स की वजह से जो रोड हैं वो थोड़ी सी ट्रैक्शन लूज कर रही हैं। GTR का हमने गियर अपग्रेड किया है और अभी सारी टेस्टिंग करके हम आ गए हैं। गाड़ी पावर भी अच्छी ग्राउंड कर रही है। अभी बिल्कुल स्टॉक टायर्स पे है, स्लिक्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, वो इसको और फिर इसका हम रन देंगे। अभी हमने गाड़ी में क्लच वगैरह इंस्टॉल किए हैं, अभी हम गाड़ी के टेस्ट रन देंगे। अभी गाड़ी के टायर्स बिल्कुल स्टॉक हैं और हम पंप गैस पर चल रहे हैं, कोई एथेनॉल नहीं है गाड़ी में। सिर्फ इसको चेक करते हैं कि गाड़ी क्लच एंगेज वगैरह हो रहे हैं बिल्कुल ठीक, उसके बाद एक कर्व के बाद नहीं मतलब ये जो आपका पंप है इसके बाद थ्रोटल है भाई, फुल थ्रोटल दे भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सेफ साइड रहेंगे।
टायर्स आपको चेक करवाते हैं GTR के। पॉप्स एंड बैंक सुनाते हैं गाड़ी के। चले बगास भाई, जो हमने काम किया था, गाड़ी का क्लच अपग्रेड किया था, गाड़ी का गियर अपडेट किया था, उसके बाद गाड़ी का हमने टेस्ट रन दिया है स्टॉक टायर्स पे। आप देख सकते हैं हमने अभी जो टेस्ट रन दिया है वो ये जो इसके स्टॉक टायर है मिशलन पायलट स्पोर्ट उन्हीं पे दिया है। जो इसके स्लिक्स हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, वो कल हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी का 20 इंच के व्हील्स पे दोबारा टेस्ट रन देंगे। गाड़ी इस वक्त गाड़ी बहुत क्लियर है, वीडियोज आपने देख ली हैं, अटैच करूँगा। तो गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल सेट है, लेकिन ट्रैक्शन का बहुत इशू आ रहा था क्योंकि विंटर है और जो रोड्स हैं उनमें वो थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है रात के टाइम, तो स्लिक्स की बहुत ज़रूरत है। वो कल डालते हैं, कल स्लिक्स डालने के बाद इसको दोबारा चेक करते हैं। एक रन मार के पता चल जाएगा गाड़ी ने, एक रन में अपना आप बता दिए। माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल सेट है, कल इसको दोबारा निकाल के चेक करते हैं। स्लिक्स इंस्टॉल हो गए हैं, काफ़ी मेहनत हुई है इन पर लेकिन हो गए हैं, और अब ये जा रहे हैं वर्कशॉप, इसको अभी इंस्टॉल करते हैं GTR पे। और आज फिर ये इसके स्टॉक टायर जो जिन पे हमने कल रन मारे हैं, इसकी वजह से गाड़ी जो उनसे ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लूज़ कर रही थी। व्हील्स आ गए हैं, इनको नॉर्मल व्हील नहीं लग सकता ब्रेम्बो की वजह से, ब्लेयरस वाला व्हील ही इसको लगता है। वो स्पेसिफिक ऑफसेट होता है GTR का, ईवो का, सुपरास का, इन सब गाड़ियों का, जो हाई एंड सुपर कार्स हैं उनका सबका इशू आता है ब्रेम्बोस का। तो ये आ गए हैं स्लिक्स, ये फिट करते हैं इनमें और फिर इसको चेक करते हैं। जाने दो